अभी कंसेप्ट है बबल सॉर्ट का, समझना ठीक है। अगेन कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम, बबल सॉर्ट क्या है। देखो जैसे ये भी सॉर्टिंग था, ये भी सॉर्टिंग है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो सिलेक्शन सॉर्ट में हमने देखा था पोजीशन पे पॉइंट कर रहे थे, राइट। अब बबल का मतलब, यहाँ बबल का मतलब क्या था, बबल मतलब पानी का बुलबुला, है ना। क्या होता है कि अगर आप पत्थर फेंको पानी में तो पत्थर नीचे जाता है, बबल ऊपर आता है, यानी हैवीएस्ट वैल्यू गोइंग डाउन, लोएस्ट वैल्यू कमिंग अप, इसलिए नाम लिया बबल इसका, ठीक है। कैसे देखो ध्यान से, अब कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसमें जो है आई हमारा चलेगा जीरो से लेके सेवन तक, जे हमारा चलेगा आई प्लस वन से लेके लेंगे, नहीं ये भी जीरो से लेंगे, और ये एन लेस देन एन किया, जीरो से लेस देन एन तक जाएगा, और ये लेंगे जीरो से लेके लेस देन एन माइनस आई माइनस वन। अब ये समझने वाली चीज है क्या है, देखो ऐसा क्यों है। देखो अभी मैं अगर यहाँ आई नोट कर देता हूँ, लेट मी राइट हियर आई, ओके, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सिक्स तक ही जाना चाहिए, ठीक है। जे चलेगा अभी आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर ये चलेगा आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू, जीरो वन एंड जीरो, लाइक दिस, ठीक है ना। क्या है देखो, अगर आप देखेंगे राइट, जो सिलेक्शन शॉट में था राइट, वैसे ही काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन यहाँ जीरो से सिक्स है, स्टार्टिंग से जा रहा है, और वहाँ रिवर्स से कम हो रहा था, है ना, ठीक है ना। दोनों में फर्क ये है। अब इसके कंसेप्ट क्या है वो चीज समझते हैं, लेट अस सी। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आई जो है जीरो रहेगा, राइट। अब जे हमारा चलेगा, जे कैसे चलेगा, जे और जे प्लस वन का रोल है यहाँ पे, कंपेरिजन विल बी बिटवीन जे एंड जे प्लस वन, ओके। अब जीरो से लेके सिक्स है तो जे प्लस वन सेवन होगा ना, लास्ट में सेवन आएगा ना, है ना। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जो एरे ऑफ जीरो यानी जे, एरे ऑफ जे यानी कि जीरो, एंड एरे ऑफ जे प्लस वन यानी फिफ्टी, समझना। जे और जे प्लस वन मतलब ये हो ना जीरो और वन, तो कंपेरिजन दो के बीच में होगा, थर्टी फाइव फिफ्टी से बड़ा है क्या, नहीं है, कुछ मत करो, तो जे प्लस प्लस हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो वन और टू का कंपेरिजन आएगा। अभी क्या 50 36 से बड़ा है क्या, हाँ है, तो क्या करो, इन दोनों को स्वैप करो, इसको कुछ मत करो, इन दोनों को स्वैप करो, तो ये दोनों स्वैप हो गए, ठीक है। अब 50 31 से बड़ा है क्या, हाँ है, 31 को इधर लाओ, 50 को इधर लाओ, 50 44 से बड़ा है क्या, है, 44 इधर लाओ, 50 इधर लाओ, है ना, समझ रहे हो ना ये। अब 50 18 से बड़ा है क्या, हाँ है, 18 इधर लाओ, 50, 48 बड़ा, 58 बड़ा, ये सॉरी 50 48 से बड़ा है, तो ये 50 इधर, और फिर 8 इधर और 50 इधर, तो ये हो गया आपका यहाँ पे लास्ट में पहुंच गया ब्लॉक, क्योंकि ये आपका लास्ट ब्लॉक हो गया, क्योंकि आई आपका बढ़ेगा तो ये नीचे जे से इतना ही चलेगा, है ना। अब देखो 35 36 से बड़ा है, नो डोंट चेंज इट, 36 31 से बड़ा है, हाँ 31 इधर 36 इधर, 44 बड़ा है, नहीं 18 इधर है 44 इधर है, फिर 48 नो चेंज, 8 इधर 48 इधर। अब देखो आप ये भी ब्लॉक हो गया, टेक्निकली वो तो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, ये ब्लॉक हो गया, आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब इस केस में देखो क्या है, हैवी वैल्यू पीछे जा रही है, राइट, धीरे धीरे लाइट वैल्यू आगे आएगी, 35 31 में कोई यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, 31 इधर 35 इधर, 36 कुछ नहीं, 18 इधर 36 इधर, फिर 44 इधर 8 इधर 44 इधर, और ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक क्लियर है ना। फिर इस केस में क्या होगा, 31 का 35 इधर 31 इधर, फिर 18 का 18 इधर 31 इधर, कंपेयर मतलब इतना कम चलेगा ना, जे रिड्यूस हो रहा है ना, एन माइनस आई माइनस वन, तो जे जाएगा ही नहीं वहां तक, जे पीछे से कम हो रहा है ना बेटा, रेंज कम होती जा रही है जे की, तो पीछे ये ब्लॉक हो रहा है, जैसे ये कैसे आगे ब्लॉक हो रहा था, ये पीछे ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ उल्टा कर दिया, 35 18 में 18 यहाँ, 35 यहाँ, और फिर 36 यहाँ, वापस 35 यहाँ, फिर 8 यहाँ, 35 यहाँ, 36 थोड़ी आएगा उधर, 35 इधर आएगा,
और 36 यहाँ, 8 इधर, 36 इधर, 44 इधर, ओके। अब 13 और 18 में 18 इधर, 31 इधर, 35 में 8 इधर, 35 इधर, ये ब्लॉक हो जाएगा, ओके। नाउ यू सी, इधर 18 रहेगा, 8 इधर आएगा, 31 इधर हो जाएगा, ये ब्लॉक हो गया। अब देखो 8 इधर, 18 इधर ब्लॉक हो गया। इसके बाद में आपको देखो 8 की जरूरत है क्या आगे? नहीं, तो टेक्निकली क्या हो गई वैल्यू? 8, 18, 31, 35, 36, 44, 48, 50 हो गया सॉर्ट। तो ये है आपका बबल सॉर्ट का कंसेप्ट। ये बबल सॉर्ट था और ये सिलेक्शन सॉर्ट था। अब इसमें कोई सवाल हो तो पूछो, नहीं तो कोड है तो कोड करोगे कि करके बताओ, बोलो।